21 मई 1991 कांग्रेस नेता राजीव गांधी की हत्या हो गई। कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने राजीव की पत्नी सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष घोषित कर दिया। राजीव की हत्या से सोनिया सदमे में थी। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष बनने से साफ मना कर दिया। सोनिया ने कहा, अपने बच्चों को भीख मांगते हुए देख लूंगी लेकिन राजनीति में नहीं आऊंगी। कट टू 1999, सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश की अमेठी और कर्नाटक की बेल्लारी यानी दो लोकसभा सीटों से चुनावी पर्चा भरा। उनके पीछे पीछे बीजेपी नेता सुषमा स्वराज भी बेल्लारी पहुंच गई और कांग्रेस के गढ़ में सोनिया को चुनौती दी। 1991 के लोकसभा चुनाव के बाद नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, साथ ही वो कांग्रेस अध्यक्ष भी होते हैं। साल 1996 का लोकसभा चुनाव आते आते कांग्रेस के कई धड़ों में बढ़ जाती है। कई नेताओं ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टियां बना ली थी। इनमें एनडी तिवारी की ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस, माधवराव सिंधिया की मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस, जीके मुपनार की तमिल मनीला कांग्रेस शामिल थी। नरसिम्हा राव कांग्रेस में बिखराव के बीच लोकसभा चुनाव में जाते हैं। इसमें कांग्रेस की करारी हार होती है। पहली बार कांग्रेस से ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिलती हैं। बीजेपी ने चुनाव में कुल 161 सीटें जीती, वहीं कांग्रेस 140 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर पहुंच गई। हालांकि बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिला। इसके बाद नरसिम्हा राव को कांग्रेस अध्यक्ष पद भी छोड़ना पड़ा। सितंबर 1996 में सीताराम केसरी कांग्रेस अध्यक्ष बने। इस दौरान देश ने 12 महीनों में 3 सरकारें बनती हुई देखी। इसके बाद मध्यवादी चुनाव हुए और अटल बिहारी वाजपेयी को नेतृत्व में सरकार बनाया गया। इस बीच कांग्रेस की स्थिति और ख़राब होती जा रही थी। ऐसे में 14 मार्च 1998 को नाटकीय ढंग से सीताराम केसरी को कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया जाता है। कांग्रेस के डगमगाती नाव को संभालने के लिए सोनिया गांधी की राजनीति में एंट्री होती है और वो कांग्रेस अध्यक्ष बनती है। उधर 13 महीने बाद अप्रैल 1999 में वाजपेयी सरकार भी गिर जाती है। इसके बाद 11वें लोकसभा चुनाव की घोषणा होती है। सोनिया गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़ने की घोषणा करती है। इससे कांग्रेस संगठन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। कांग्रेस ने बताया कि सोनिया गांधी अमेठी के साथ ही आंध्र प्रदेश के कोड़ाप्पा से चुनाव लड़ेंगी। 17 अगस्त 1999 को सोनिया गांधी दिल्ली से हैदराबाद रवाना हुई। सोनिया गांधी हैदराबाद एयरपोर्ट पर पहुंचती है। उस समय कांग्रेस महासचिव रहे गुलाम नबी आज़ाद ने पत्रकारों को बताया कि सोनिया गांधी कोड़ाप्पा जा रही हैं और वहां से चुनाव के लिए पर्चा भरेंगी। इसके बाद सोनिया और कांग्रेसी नेताओं ने निजी हेलीकॉप्टर से कोड़ाप्पा के लिए उड़ान भरी। हालांकि हेलीकॉप्टर कोड़ाप्पा की जगह कर्नाटक के बेल्लारी पहुँच गया। सोनिया गांधी ने उसी दिन बेल्लारी से नामांकन भरा। इस दौरान कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद और कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख SM कृष्णा भी मौजूद थे। कर्नाटक के बेल्लारी सीट में कांग्रेस 1992 से अब तक हारी नहीं थी। ऐसे में सोनिया गांधी का इस सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान करते ही जीत भी तय हो गई थी। इधर बीजेपी में हलचल तेज हो गई थी। 17 अगस्त की ही रात सुषमा स्वराज के घर एक फ़ोन आता है। फ़ोन पर बीजेपी महासचिव वेंकैया नायडू थे। उन्होंने सुषमा से कहा कि कल आपको बेल्लारी पहुंचना है, आपको सोनिया गांधी के खिलाफ बेल्लारी से बीजेपी कैंडिडेट बनाया गया है। दिलचस्प ये था कि उसी दिन नामांकन का आखिरी दिन था। इसके बाद सुषमा स्वराज सुबह ही बेंगलुरु पहुंचती हैं। वहां से सुषमा हेलीकॉप्टर से बेल्लारी पहुंचती और हजारों बीजेपी समर्थकों के साथ नामांकन भरा। स्वराज के साथ उस वक्त के सिविल एविएशन मिनिस्टर अनंत कुमार और बीजेपी महासचिव M वेंकैया नायडू जैसे बड़े बीजेपी नेता थे। नामांकन भरने के बाद सुषमा स्वराज ने अपने प्रस्तावक डॉक्टर BK श्रीनिवास मूर्ति के घर पर ही डेरा जमा लिया। यहीं से वो चुनाव प्रचार करती थी। ये वो दौर था जब सोनिया गांधी टूटी फूटी हिंदी बोला करती थी। बेल्लारी में 29 साल के राहुल और 27 साल की प्रियंका गांधी ने एक हफ्ते तक अपनी माँ के साथ प्रचार किया था। इसी के साथ बने रहे राजनामा TV के साथ। धन्यवाद।